हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती, आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आप लोग के लिए ब्रेड का एक इजी नाश्ता लेके आई हूँ, ब्रेड रोल रेसिपी। ब्रेड रोल बहुत ही टेस्टी बनता है, आप एक बार ज़रूर बना के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो देखना है तो एंड तक बने रहिए। चलिए तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम इधर 6 ब्रेड ले लिए हैं, नॉर्मल ब्रेड। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, व्हाइट ब्रेड हो या फिर ब्राउन ब्रेड हो, कोई भी ले सकते हैं। ब्रेड का हम लोग साइड साइड से कट कर दे रहे हैं। आप चाहे तो कट कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। कट करने से इसका जो लुक आता है ना, वो अच्छा आता है, इसीलिए कट करना, अदर्स कुछ नहीं। इसका टेस्ट सेम रहता है नहीं कट करने से भी। देखिए 6 हम लोग ले लिए सबको कट करके। अब चलते हैं हम लोग मसाला बनाने में। तो हम इधर 2 आलू उबाल के रखे थे पहले से। 2 आलू ले लिए मीडियम साइज का। आलू को अच्छे से मिक्स लिए। इसमें हम कुछ वेजिटेबल ऐड कर रहे हैं, प्याज, टमाटो, गाजर, हरी मिर्च। आप चाहे तो अपना मनपसंद कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। इसी बहाने बच्चा लोग वेजिटेबल भी खा लेता है, हेल्दी भी होता है। इधर हम नमक स्वाद अनुसार, 1 जीरा गूड़ा, 1 धनिया गूड़ा, 1/2 गोलमरीच का पाउडर, 1/2 चाट मसाला पाउडर, 1/2 लाल मिर्च का पाउडर, सबको एक साथ मिक्स कर लेते हैं। याद रखिएगा, अगर बच्चा कोई खाता है तो हरी मिर्च दिए है उस हिसाब से लाल मिर्च दीजिएगा। देखिए हम लोग का आलू का सानना हो गया है। आलू को जितना अच्छे से सानिएगा उतना टेस्ट इसका दिगुना आता है। इधर हम लोग 1 मैदा का घोल बना ले रहे हैं। उसके लिए हम 1.5 मैदा लिए हैं, थोड़ा सा नमक लिए हैं, पानी देके इसका घोल बना ले रहे हैं। इसमें नमक ज़्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि आलू में नमक दिए तो उस हिसाब से थोड़ा कम ही नमक यूज़ कीजिएगा। अब चलते बनाने का प्रोसेस में। 1 कटोरी में पानी लिए, 1 ब्रेड पानी में डिप करके पानी तो अच्छे से गा लिए। ये वाला प्रोसेस आपको बहुत फास्ट करना है, नहीं तो जो ब्रेड तो है ना, ब्रेड तो गल जाता है, तो आपको शेप में लाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। देखिए इसको शेप में लाने के लिए हाथ में इधर उधर करते रहिएगा, ये अपने आप 1 शेप ले लेगा। थोड़ा टाइम लगता है बट शेप ले लेगा जरूर। ऐसे करके हल्का 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 हाथ से पेसर दीजिएगा, एकदम जोर हाथ से पेसर मत दीजिएगा। देखिए हो गया ना कितना ज्यादा शेप में आ गया। अब इसको मैदा का घोल में डुबा के, इधर हम बिस्किट का गूड़ा लिए हैं, बिस्किट का गूड़ा में इसको लपेट लिए। बिस्किट का गूड़ा देने से ना बहुत क्रंची लगता है खाने में, और बिस्किट का गूड़ा आप स्किप भी मत कीजिएगा। अगर बिस्किट का गूड़ा आपका नहीं है तो हम लोग जो ब्रेड ठो बनाए थे ना, ब्रेड का साइड साइड में कट किए थे, उसको भी आप इसके बिस्किट का गूड़ा के जैसे यूज कर सकते हैं। इधर हम पूरा 6 बना लिए हैं। अब इधर हम सरसों तेल से इसको फ्राई करेंगे। सरसों तेल पहले से गर्म होने के लिए रख दिए थे। 6 है तो हम 3-3 करके फ्राई कर रहे हैं, थोड़ा जगह रहता है तो अच्छा लगता है देखने में भी, यार इधर उधर घुमाने में भी अच्छा होता है। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कीजिएगा। ये बहुत टेस्टी बनता है, आपका घर में मेहमान आए तो भी आप बना के दे सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी बना के दे सकते हैं, टिफिन इन द सेंस इवनिंग में कोई स्नैक्स भी बना सकते हैं, और कभी बारिश का मौसम हो तब भी बना सकते हैं। ये हम अपने घर में बारिश का मौसम में ही बनाए थे। देखिए हम लोग का सब हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसका टेस्ट तो आपको हो बनाइए तभी पता चलेगा, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। इसको गर्मा गर्म सॉस के साथ सर्व कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।